मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट का सिविक्स का पहला चैप्टर आज आपको पढ़ाया जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी हम अपने भारतीय संविधान के विषय में आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे और संविधान के जो रूल्स हैं, जो जो आपके राइट्स मिले हुए हैं नागरिक के, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इसके विषय में और भी कुछ संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं इस विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन द सिस्टम ऑफ लॉ स्टार्टेड टू टेक शेप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सोशल लाइफ एंड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, द सिस्टम ऑफ लॉ स्टार्टेड टू टेक प्लेस, से तो कानून यानी नियमों की जो एक सिस्टम होना चाहिए, प्रणाली होना चाहिए, इसकी शुरुआत की गई। इसलिए जिससे कि लोगों का सामाजिक जीवन ठीक से बीते और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से वे दूर रह सके। द पीपुल रियलाइज द नीड ऑफ रूल्स एंड लॉज एज टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड टू चेक द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ी या किसी नियम की जरूरत क्यों पड़ी, कि जिससे कि हम जो गलत मोटिव मोशन के जन, जो गलत लोग थे, जो हमारे कन्विक्ट थे, लेकिन जो दोषी व्यक्ति थे, उनकी पहचान हो सके और उनको सजा दिलाई जा सके। दस एवरी सोसाइटी नीड रूल्स, इसलिए हर समाज को कुछ नियमों की जरूरत है, एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच द सोसाइटी फंक्शन, जिससे कि हमारा समाज अपना सुचारू रूप से कार्य करता रहे। सम पीपुल थिंक दैट लॉज रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो कानून है ये हमारी स्वतंत्रता में बाधक है। एक्चुअली लॉज इंश्योर द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो कानून है वो क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि आपकी आपके लिए न्याय मिल सके, आपको लिबर्टी मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके एंड इक्वलिटी मिल सके, आपको समानता का अधिकार मिल सके समाज में। यही कानून का मुख्य उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ लॉ इज द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल बाई पनिशिंग द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर पीपुल, इसका उद्देश्य क्या है, जो गलत लोग हैं उनको सजा दे करके जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करना, यही कानून का नियम। सेवरल लॉज वेयर पास्ट इन द इंडिया टू स्टॉप द सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे अध्यादेश जारी किए गए, पास किए गए, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोमेन, औरतों का जो शोषण है, चिल्ड्रेन का। द लॉज अराइज फ्रॉम द नीड्स ऑफ द पीपल, कानून का उद्गम कैसे हुआ, लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही हुआ। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिक फीचर, जितने भी हमारे समाज हैं सबका एक अपनी अलग समस्या है और इनके अपना एक अलग उद्देश्य भी है। द लॉज ऑफ सम सोसाइटीज आर स्पेसिफिक ऑफ सम सोसाइटीज वेयर द प्रॉब्लम ओरिजिनेट, कुछ तो ऐसे हैं जो प्रॉब्लम को ओरिजिनेट करते हैं, खुद ही समस्याएं को पैदा करते हैं, ऐसे भी समाज में होते हैं लोग। ऑल द सेम टाइम सम लॉज आर यूनिवर्सल विच अप्लाई टू ऑल द सोसाइटीज एंड नेशन विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो समाज का कोई भी व्यक्ति हो सब पर बराबर तरीके से लागू होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा, किसी भी कस्टम, यानी कि हमारा जो ये त्यौहार व्यवहार जो होते हैं, हमारे रिवाज, जो हमारे रिवाज हैं, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज से जी रहे हों, उन पर सब पर यूनिवर्सल तरीके से लगाया जाता है कुछ नियम। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र रहने का अधिकार, इक्वलिटी, समानता है, न्याय है, ये सब ऐसे हैं जो सभी के ऊपर, राष्ट्र में जितने लोग हैं सभी के ऊपर लागू होते हैं।
Among all the rules, the basic rules are termed as the constitution. इसके अलावा कुछ basic rules भी बनाए गए हैं हमारे संविधान में. The constitution is a fundamental law of the land. ये हमारा जो संविधान है ये पृथ्वी का, हमारी धरती का एक मूल नियम है. Other rules and laws can be above the constitution. जो और भी नियम समाज के हैं वह संविधान से ऊंचे नहीं है, संविधान से बड़े नहीं है. A government functions according to the constitution. सरकार संविधान के ही बनाए हुए रास्ते पे चलती है. The constitution lays down the national goal of nation. क्योंकि संविधान ही हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है यह भी तय करता है. Constitution limits the powers of government. संविधान ही जो सरकार की जो शक्ति है उसको एक सीमित करता है. A government follows the rules mentioned in the constitution. किसी भी सरकार को जो भी mention किया गया है, जो भी लिखा गया है संविधान में, उनसे उनको फॉलो करना पड़ता है उन नियमों का. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रेक द रूल्स एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी लोकतंत्री सरकार कभी भी संविधान में बनाए नियमों को तोड़ नहीं सकती. ए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. यह सरकार के जो इनके पास जो शक्ति है, सरकार के पास जो पावर्स हैं इनके, ये संविधान ही हमारा डिफाइन करती है, वही बताती है. इट लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच द पीपुल आर टू बी गवर्न. यही जो है एक नीतिगत ढांचा तैयार करती है जिससे कि सरकार लोगों के लिए कार्य कर सके. इट स्पेसिफिक द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इसके अलग अलग तीन शक्तियों में इसको बांटा गया है. पहला है लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं विधायिका, जुडिशियरी न्यायपालिका, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका. तो संविधान का हमारा क्या कार्य है, लेजिस्लेशन का काम है, एक कानून को बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम है कार्यपालिका, उसको लागू करवाना, मतलब जो हमारे नियम बनाए गए संविधान के द्वारा उसको लागू करवाने काम किसका है, पुलिस का है, सरकार का है. तीसरा होता है जुडिशियरी न्यायपालिका, जो अगर इनमें से कुछ गलत है तो कोर्ट है जो न्याय देता है कि क्या सही है क्या गलत है. इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द पीपुल. लोगों के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, ये इस चीज को बताता है. एवरी लॉ कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी नियम संविधान से बाहर नहीं जा सकता. कॉन्स्टिट्यूशन लॉज डाउन द बेसिक गोल्स ऑफ द नेशन. क्योंकि संविधान से ही हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. बच्चों, आज आपको इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ाया जाएगा. अब टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो कितने प्रकार के हैं, ये इस बारे में आपको कल बताया जाएगा. संविधान के जो जो टाइप्स हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान है, कुछ लिखित अपने द्वारा है, कुछ दूसरे देशों से भी लिया गया है, तो इसके विषय में आपको कल फिर बताया जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू.